यही मेरी बाइकों का हाल है। अभी जाना था, वही आकर बताएगी कि मैं क्या करूं। ऐसे लग रहा है जैसे मेरी लाइफ खत्म हो गई। आकृति बेटा, अच्छा हुआ बेटा तू अब तक सोई नहीं। नहीं आई, मैं बस अभी सोने ही जा रही थी। चल मैं तुझे रात के सपनों के लिए कुछ सामान दे दूं। सपने देखने की आदत तो छूट गई है आई। अच्छा, लगा शर्त, आज से आदत फिर लग जाएगी। वो तुझे याद है ना, वो मिसेस दोषी ने तेरे रिश्ते के बारे में बात की थी। मेरी आज उन लोगों से बात हुई, वो लोग कल तुझे देखने आ रहे हैं। नैना, नैना तुम यहाँ क्या खड़ी हो? चलो अंदर जाके शेड में खड़े होते हैं, यहाँ बहुत तेज बारिश पड़ रही है। नहीं, मैं यहीं रुकूंगी। अगर बीमार पड़ गई तो? चलो। मैंने कहा ना नहीं, मैं तुम्हारे हुकुम की गुलाम नहीं हूँ। मुझे जो करना है करूंगी, जहाँ जाना है जाऊंगी। नैना, नैना। ये लड़की भी ना लाइट्स तक ऑफ नहीं करती। सोना, आई एम सॉरी। But I am not. मतलब? तुम्हें समझ में नहीं आएगा और ना ही समझने का कोई चांस है। अच्छा? देखकर भी अनदेखा करना कोई तुमसे सीखे ना, समझकर भी ना समझना कोई तुमसे सीखे। तुम अपनी और मेरी सच्चाइयों से अलग अपनी ही किसी दुनिया में जीते आ रही हो, जहां से तुम्हें ना मैं नजर आ रहा हूं और ना ही मेरी सच्चाइयां। दक्ष, तुम आज मुझे सच में समझ में नहीं आ रहे हो। मैं तुम्हें कभी समझ में नहीं आया नैना। समझ में आया होता तो आज? तो आज क्या? तो एक छोटी सी बात कहने के लिए मुझे इतना वक्त नहीं लगता, इतनी सी बातें करनी नहीं पड़ती। मेरे नजरिए से सोचने की कोशिश करो नैना कि मैं तुम्हें यहां क्यों लाया, उसकी वजह क्या हो सकती है। लड़की बिना, ये कैसा मजाक है? कहां है तू? क्या हुआ, ये इतनी जोर जोर से गला क्यों साफ कर रही हो रात के टाइम? देखिए ना, सोना अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहां चली गई।